हमारे पास एक तो आज बिगड़ा हुआ मल्टी प्लग है, और उस मल्टी प्लग को हम कैसे बनाए और इस बोर्ड को हम कैसे अपना काम के योग्य बना सकते हैं। जैसे कि ये बिगड़ गया है, पूरा काम नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बिगड़ा है। इसको जैसे कि हम खोलते हैं, अभी देखिए जैसे कि हमारे पास एक ड्रिल मशीन है खोलने के लिए। जैसे कि इसको खोल कर हम अभी हटा दिए। अब चेक करेंगे इसमें, हम मल्टीमीटर लेकर शुरू में चेक करेंगे इसका कंटिन्यूटी और क्या क्या बिगड़ा है उसको चेक करके, उसके बाद जहाँ बिगड़ा होगा उसको हम क्या करेंगे चेंज करके। जैसे कि तार बिगड़ा होता है, ज़्यादा सा मल्टीप्लेक में तार ही बिगड़ा होता रहता है। चलिए देखते हैं इसको चेक करके क्या क्या बिगड़ा है। जैसे कि देखिए ये हमारे पास अभी हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, जैसे तार का कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। देखिए एक ठो तार जो है ये न्यूट्रल वाला फेज वाला वो ठीक दिखा रहा है। दूसरे देखते हैं, जैसा कि देखिए हमारे तार कोई एक टर्मिनल ठीक नहीं दिखा रहा है, मतलब बिगड़ा हुआ दिखा रहा है। इसलिए क्या करेंगे हम इसको तार को खोल करके हटा देंगे और दूसरा तार लगाएंगे। जैसे कि देखिए इसको खोलते हैं हम, खोल दिए। इसके बाद फिर इसे खोल के फिर से अच्छे से एक बार फिर से चेक करेंगे कि इसी यही तार काम कर दिया तो इसी को लगा देंगे। चलिए देखते हैं, जैसे कि इस तार को हमने खोल लिया है, फिर से इसी तार को हम कंटिन्यू चेक करेंगे। इसको थोड़ा सा हम काट दिए अगारी में, जहाँ पर यहाँ जैसे काट करके फिर से हम इसको चेक करेंगे एक बार अच्छे से। अगर यही काम कर दिया तो इसी को सेट कर देंगे, नहीं तो दूसरा चेंज करके लगाएंगे। देखते हैं, जैसे कि अभी काट दिया हम इसको, देखिए फिर से इसको कंटिन्यू टेस्ट करेंगे। जैसे कि देखिए हम चेक करते हैं, देखिए एक तो दिखा दिया, अब दूसरा चेक करेंगे। देखिए दोनों भी दिखा दे रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा तार जो है ये ठीक है। इसको चेक करके और इसको हम सोल्डिंग करके आपको फिर से दिखाएंगे। सोल्डिंग करते हैं, आप देखिए हम जैसे कि हमारे पास एक तो सोल्डिंग आयरन है, इसको हटा लेंगे शुरू में खोल के। अब इसका भी कंटिन्यूटी हम सब चेक कर लेंगे। देखिए सारे ठीक दिखा रहा है, ये शॉर्ट भी हम चेक करेंगे, इसका शॉर्ट तो कहीं नहीं है। देखिए शॉर्ट भी नहीं दिखा रहा है, मतलब अब हमारे आगार में ठीक है। इसको क्या करेंगे हम तार को खाली सोल्डिंग कर देंगे, उसके बाद हमारा बोर्ड काम करने लगेगा। और दूसरी बात जो है हम स्विच का भी कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेंगे, ये स्विच ठीक है कि नहीं है। चलिए देखते हैं स्विच का कंटिन्यूटी। देखिए स्विच भी हमारा ठीक नहीं दिखा रहा है। अब क्या करेंगे स्विच को भी हम हटा देंगे, जैसे शॉर्ट कर देंगे। जैसे स्विच काम, देखिए फिर स्विच काम करने लगा जैसा लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब स्विच भी ठीक है, स्विच ठीक है, इसका मतलब हम स्विच जैसे फिर क्या करेंगे कनेक्शन कर देंगे। देखिए अब जैसे कि हम कनेक्शन करते हैं, पहले देख जैसे कि हमने ये सोल्डिंग कर लिया अभी। अब सोल्डिंग करने के बाद इसका फिर जैसे कि इसमें नॉट लगा देंगे और इसके बाद चेक करेंगे ठीक है कि नहीं है। देखिए इसको हम पहले इसको नॉट लगा लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे।